नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे कैसे लॉगिन कर सकते हैं। अब इसके काफ़ी मल्टीपल वेज होते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप एक बिगनर हैं तो मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप मेरी सारी वीडियोज़ देखना जो भी मैं फ्यूचर्स में डालूंगा। और ये पहली वीडियो है सबसे इस सीरीज़ की, तो आपका वेलकम है सीरीज़ पे। और अगर आप बिगनर हो तो ये आपको बहुत ईजीली आपको समझ में आ जाएगा कि वर्डप्रेस वेबसाइट पे लॉगिन कैसे करते हैं। आप सब कुछ बना लेते हो, सर्वर पे वेबसाइट बन जाती है, लेकिन लोगों को सबसे ज़्यादा इशू आता है कि लॉगिन कैसे करते हैं। तो लॉगिन कभी कभी वो दूसरे वर्डप्रेस पे चले जाते हैं लॉगिन करने, जो मेन होता है wordpress.com, और दूसरा एक होता है सेपरेट, अगर आपने कोई कस्टम सर्वर लिया होता है और वहाँ पर अगर आप साइट बना रहे हैं तो उसका अलग होता है लॉगिन का प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला स्टेप हमारा होता है लॉगिन यूआरएल। लॉगिन यूआरएल बेसिकली हर एक वेबसाइट जो भी आपका डोमेन नेम है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका example.com लेकर चलते हैं, अगर आप स्लैश डालोगे अपनी साइट के आगे और लॉगिन लिखेंगे तो आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा वर्डप्रेस का। अगर आप स्लैश एडमिन डालते हैं अपने डोमेन के आगे तब भी खुल जाएगा, और अगर आप स्लैश wp-login.php करते हैं तो भी खुल जाएगा। अब ये तीनों ये होते हैं इसके केसेस, मेथड्स होते हैं लॉगिन करने के लॉगिन यूआरएल के थ्रू। कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस में लॉगिन चलेगा, फिर लास्ट में कुछ चलेगा, कभी कभी चलेगा एडमिन, कभी चलेगा wp-login, तो वो आपको देखना होगा। अब फॉर एग्जांपल हम एक साइट ले लेते हैं growthful.co.uk। अब जैसे मेरी ऑलरेडी यहाँ डली हुई डिटेल्स, और आप देख सकते हैं यहाँ wp-login है .php, तो आप जैसे ही इसमें लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा आपके डैशबोर्ड में अगर आपकी डिटेल सही रहेंगी। अब दूसरा है हमारा प्रोसेस होस्टिंग कंट्रोल पैनल के थ्रू, यानी कि जहाँ पे भी आपका सर्वर सिचुएटेड होगा वर्डप्रेस वेबसाइट का, वहाँ से भी आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं बिना, अगर आपको फॉर एग्जांपल लॉगिन डिटेल्स नहीं पता अपनी वेबसाइट की तो आप वहाँ से डायरेक्टली एडमिन लॉगिन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे growthful.co.uk पे जैसे मैं क्लिक करूँगा एडमिन पैनल, तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा एडमिन डैशबोर्ड पे वर्डप्रेस के। देखिए जैसे खुल गया मेरी वेबसाइट यहाँ पे। थर्ड होता है सोशल मीडिया अकाउंट्स। अब कहीं बार फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फ्रीलांसर है या वेबसाइट काफ़ी डेवलप करते हैं या सीख रहे हैं, तो कभी कभी आपको क्लाइंट से मिलती होगी वेबसाइट, और वहाँ पे सोशल मीडिया लॉगिन के थ्रू भी ऑप्शन होता है लॉगिन करने का। अब ये सारे आप इनेबल कर सकते हो प्लगइन डाल के वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस पे अगर कोई भी हमें कुछ डालना होता है फंक्शनैलिटी या कोई फीचर, तो प्लगइन से इजीली ऐड हो जाता है। ये मैं आपको अपकमिंग सीरीज़ में बताऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका गूगल का डिटेल्स दिया हुआ क्लाइंट ने, तो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्टली। ये एक और मेथड होता है लॉगिन करने का। फोर्थ होता है, अगर ये सारे मेथड्स ना काम करें तो एक सिक्योरिटी फीचर होता है। आप अगर रीसेट करते हैं तो नॉर्मली एक लॉगिन लिंक आ जाता है डायरेक्टली आपके पास, अगर एक उन्होंने डाल रखा होगा 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या दूसरे टाइप्स के भी लॉगिन होते हैं इसमें सिक्योरिटी फीचर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पासवर्ड भूल जाओ या आपके पास रिकवरी मेथड है, तो आपको डायरेक्टली लॉगिन लिंक आ जाता है आपके मेल पे, और वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। अब अगर आप भूल जाओ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पासवर्ड आप भूल जाते हो वर्डप्रेस पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ आप कैसे इसको रीसेट भी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे लॉस्ट योर पासवर्ड आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके जो भी यूज़र नेम या ईमेल एड्रेस है एसोसिएटेड उस अकाउंट से, आप वो डालिए और आपका एक मेल आएगा, वहाँ से रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड। तो यही एक छोटी सी वीडियो थी, इंट्रोडक्शन वीडियो थी ये वर्डप्रेस के ऊपर कि आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मल्टीपल वेज होते हैं और लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉगिन कैसे करना होता है। कभी कभी लगता है कि क्लाइंट ने गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा, लास्ट में एक और मैं भी आपको बताना चाहूँगा, एक और मेथड है, लेकिन ये सीक्रेट मेथड है, मतलब अगर कुछ ना काम करें तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ये जैसे साइट मैंने खोली है cientrix.com, आप अगर अकाउंट में जाएंगे तो इसमें साइन इन और रजिस्टर का आपको लॉगिन फॉर्म दिख रहा होगा। अब कोई भी साइट में अगर आप वर्डप्रेस साइट खोल रहे हैं, बैकएंड से लॉगिन नहीं हो रहा, अगर आपके पास एडमिन डिटेल है और यहाँ पे आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली भी लॉगिन हो जाता है वर्डप्रेस साइट पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।